तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हम आ चुके हैं KTM के शोरूम पे, जहां पे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे पास है KTM Duke 200 का रिसेंट लॉन्च किया गया नया मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि KTM Duke के 200 मॉडल में आपको क्या क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी आप स्क्रीन पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको नई ग्राफिक्स मिलती है, नए डिजाइन में आपको Duke 200 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों गौर करिएगा, हम आपको इसके एक्सम प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी KTM Duke 200 के नए मॉडल को लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट से लुक है ना, वही सेम देखने को मिलने वाला है। वही सेम आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है। इसका जो इंडिकेटर डिजाइन मिलता है वही आपको पहले वाला मिलता है। यहाँ पे देखिए इसमें आपको LED DRL मिल जाता है, लेकिन इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना, वो आपको अभी भी आपको हाइलोजन बल्ब देखने को मिल रही है। लेकिन इसका जो डिजाइन मिलता है ना, वो भी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वही आपको हाइलोजन बल्ब देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका जो ओवरऑल जो फ्रंट से लुक है ना, वही सेम देखने को मिलती है। जो मेन चेंज हुआ है ना, इसके ग्राफिक्स और इसके थोड़ा सा साइड बॉडी पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं USD फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है, यानी कि अप साइड डाउन फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑरेंज कलर का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलती है, जो कि आपको पता है कि हर KTM की बाइकों में देखने को मिल रही जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में, तो इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिलता है 110/70 का, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगी ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पे देखिए अलॉय व्हील के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के ग्राफिक्स के साथ KTM की बैचिंग देखने मिल जाती है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है, डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके ब्रेकिंग सिस्टम में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाली है, वही सेम आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से साइड बॉडी के बारे में, जो कि इस बाइक का मेन चेंज हुआ है, जो कि इसके ग्राफिक्स वाइज देखने को मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इस बाइक की जो ग्राफिक्स देखने को मिलती है, जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज और ब्लू कलर में आपको ड्यूक लिखा हुआ मिल जाता है, और नीचे आपको 200 की बैचिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो डिजाइन मिलता है ना, ये जो ग्राफिक्स मिलती है ना, ये इसके लुक को और ज्यादा एनहेंस करती है। पहले वाले ड्यूक के हिसाब से इसका जो ग्राफिक्स मिल रहा है ना, वो ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो नई ग्राफिक्स मिली है, नए डिजाइन में आपको ड्यूक 200 की बैचिंग देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो गौर करिएगा इसकी जो प्राइस है ना, जाहिर सी बात है कि पहले से चेंज हो चुकी है, क्योंकि पहले से इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एक्सोन प्राइस के बारे में, तो इसका जो एक्सोन प्राइस पड़ेगा वो लगभग आपको पड़ेगा 1,93,269 रुपीज एक्सोरूम UP वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये लगभग आपको पड़ेगा 2,24,000 से 2,27,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये तो इसके प्राइस की बात। अब थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसके थोड़ी सी बात करते हैं इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको एक बात क्लियर कर दें कि इसका जो इंजन मिलता है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिलने वाली है। तो इंजन वाइज में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 इंजन देखने को मिल जाती है, जिसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 24.66 BHP का 10,000 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 19.3 न्यूटन मीटर का 8,000 RPM पे। इसमें आपको 72 mm का बोर देखने को मिल जाता है, 49 mm का स्टॉक देखने को मिल जाती है। इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो कि काफी बेस्ट लिक्विड कूलिंग सिस्टम माना जाता है कूलिंग सिस्टम के मामले में। तो दोस्तों इसके इंजन वाइज में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे देखिए रेसिंग KTM की आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है, और साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको इंजन गार्ड भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके थोड़े से लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। और साइड में देखेंगे तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाया गया देखने को मिल जाता है, और साइड बॉडी में आप देख सकते हैं KTM की बैचिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इनका जो हैंडल बार मिलता है ना, वही सेम आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो लोअर नेविको स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाती है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल रही है। इसमें आपको हैंडल बार पे आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल हैंडल बार देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो इसमें आपको इंजन कूल स्विच मिल जाता है, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हैंडल बार के मामले में इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है, वही सेम आपको स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन देखने को मिलने वाली है। और इसका जो साइड मिरर मिलेगा वो भी आपको थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलता है, जो कि पहले के मुकाबले में ज्यादा स्पोर्टी लगता है देखने में। तो दोस्तों इसका जो साइड मिरर है ना, वो थोड़ा सा पहले से चेंज हो चुका है। और अगर हम इसके मीटर कंसोल की बात करते हैं, तो इसके मीटर कंसोल में आपको ज्यादा अपडेट
देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है, जिसमें आपको ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगी, टैकोमीटर मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको क्लॉक देखने को मिल जाती है, इंजन मॉलफंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है, ABS इंडिकेटर मिल जाता है। तो दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, थोड़ा सा पहले से इसका जो डिजाइन है ना वो चेंज हुआ है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक का काउल मिल रही है वो पहले से थोड़ा सा और ज्यादा स्पोर्टी हो चुकी है, और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वॉक मिलती है 13.4 लीटर की। तो दोस्तों ये जो कलर है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है ना ग्रे और ब्लैक कलर का, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, उसके ऊपर आपको देख सकते हैं ब्लू और ऑरेंज कलर में आपको ग्राफिक्स मिल रही है, वो इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि ओवरऑल इसका जो नया जो लुक मिल रहा है ना, ये आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको वही स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको जो राइडर सीट मिलता है आपको काफी कंफर्टेबल मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो राइडर कंफर्ट मिलता है ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इसका जो पिलियन राइडर सीट है ना, वो थोड़ा सा कम कंफर्टेबल है राइडर सीट के मुकाबले में। जैसा कि आपको पता है कि हर स्प्लिट सीट की जो बाइकें होती है ना, उसमें आपको पिलियन राइडर्स का सीट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है राइडर सीट के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कंफर्टेबल राइड नहीं मिलने वाली है, इसमें भी आपको कंफर्टेबल राइड देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए साइड बॉडी जो मिलेगा आपको ऑरेंज कलर मिल जाता है, उसके ऊपर आपको KTM की बैचिंग देख मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए इसमें आपको स्प्लिट पिलियन ग्रेविल मिलती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा स्पोर्टी बनाती है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि इसका जो साइड प्रोफाइल है, इसका जो साइड से लुक है ना, ये आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सेक्शन है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिलती है, वही सेम आपको LED टेल लाइट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका जो टेल लाइट है ना, वो भी थोड़ा सा पहले से चेंज हुआ है, तो इसका जो ओवरऑल जो लुक है ना इस बाइक में, मेन जो चेंजेस हुए हैं वो इसके ग्राफिक्स और थोड़ा सा इसके डिजाइन में देखने को मिल रही है। बाकी इंजन वाइज, फीचर्स वाइज ये जो बाइक है ना बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको काफी बड़ा आपको देख सकते हैं रियर में आपको फ्रंटर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा मस्कुलर बनाता है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं KTM की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से रियर सेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है, डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलती है, जिसकी साइज 230 mm का, डिस्प्ले के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों गौर करिए, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, तो फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्प्ले के साथ आपको ABS मिलेगा, रियर में आपको 230 mm के डिस्प्ले के साथ ABS की चैन देखने को मिल जाती है। और इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिलता है 150/60 का, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है अलावल के साथ। तो दोस्तों इसका जो रियर टायर देखने को मिलने वाली है वो आपको काफी वाइड टायर देखने को मिलती है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छी ग्रिपिंग देखने को दे देती है। और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है अप साइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको एपेक्स मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलती है, जिसे आप लोग 10 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो राइडिंग कम्फर्ट मिलता है ना, काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो रियर सस्पेंशन है ना वो पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 7 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक में आपको जो सस्पेंशन क्वालिटी मिलने वाली है ना, पहले के मुकाबले में काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में, इसके लेंथ के बारे में, तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2072 mm का, इसका जो कर्वेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 159 kg की बाइक देखने को मिल जाती है। और इसका जो व्हील बेस मिलेगा उसकी बात करते हैं, इसमें आपको 1357 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगा वॉक मिलता है 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 822 mm का। तो दोस्तों ये थी इस बाइक के डायमेंशन, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये जो नया ग्राफिक्स मिल रहा है, नए डिजाइन में आपको ड्यूक 200 की बैचिंग देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओवरऑल इसका जो लुक है ना वही सेम देखने को मिलती है, सिर्फ इसमें आपको ग्राफिक्स वाइज कस्टमाइज किया गया है इस बाइक को फिर से 2022 मॉडल में। तो दोस्तों इंजन वाइज, फीचर्स वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको बाइक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया, इसकी प्राइस जो थी वो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये कलर अच्छा लगा, ये बाइक अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे नई वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हल्के दाने के हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।